आज तेरी दी और जीजू का इस कमरे में आखिरी दिन है। ये दोनों इस कमरे से साथ जाएंगे, लेकिन लौटेगी सिर्फ पूजा। अब तो बस आखिरी सरप्राइज का इंतजार है। लगता है तूफान आने वाला है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पूजा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तूफान छू नहीं सकता। किसके कहने पर तू यहाँ है? काम हुआ कि नहीं? रेपिस्ट का खानदान बचकर जाना नहीं चाहिए। अंगराज कहीं दिख नहीं रहा, but thank God, कम से कम दीजीजू के साथ है। मिस्टर नरेन व्यास, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मेरी बेटी को अरेस्ट क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि इन्होंने अनुज गुप्ता का मर्डर किया, और ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं, उस शूटआउट पर एक लौती आई विटनेस ने दिया है, आपकी बहू मिसेस पूजा नरेन व्यास। इंस्पेक्टर शिवानी, ये सब क्या हो रहा है? आपके पति ने गुप्ता फैमिली के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की। उनका मानना है कि अंगराज की बॉडी इन्होंने अपने घर में छुपा रखी। जब तक अंगराज की बॉडी नहीं मिल जाए, अनुज का भी अंतिम संस्कार नहीं होगा। पहले इस घर की तलाशी होगी, और इस बार तलाशी मैं खुद लूंगा। और कितना रिलाओगे मेरे माँ को? आप सब ऐसे सीधे सीधे मानने वालों में से है नहीं। दानिश, अनुज की बॉडी को फिर से मोड़ ले जाओ। अब जब तक मेरे भाई को अग्नि नसीब नहीं होती, आपके घर के बेटे को भी अग्नि नहीं मिलेगी। पुलिस, नेता, शमशान, मीडिया, जहां चाहे कॉल कर, लेकिन तुम अनुज को हाथ तक नहीं लगा पाओगी। दो दिन के अंदर मेरे भाई की बॉडी हमारे पास होगी, और मेरे भाई का अंतिम संस्कार भी होगा। मुझे अपने मरे हुए भाई की कसम, कल शाम ढलने से पहले मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करके रहूंगी। अपनी लाल बत्ती का पूरा जोर लगा दूंगा कि तुम्हें तुम्हारी भाई की बॉडी वापस नहीं मिलने दूंगा। लाल बत्ती पर इतना गुमान भी मत कीजिए नरेन, यही लाल बत्ती आप पर भारी पड़ जाए। आप आम नहीं है पूजा बेटा, आप बहुत खास है। भाई को गए हुए दो दिन ही हुए हैं, यहाँ तक कि किसी ने उसके अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी आपसे छीन लिया। और जिसने पूजा बेटा के सारे रास्तों को रोका है, क्या आप जानते हैं उसका नाम? नेता के लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा टेस्ट ले। और जब तक तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी, मैं एक एक करके तुम्हारे घर को तोड़ता चला जाऊंगा। Yeah.
सर हमें ऋषि के शेल्टर फॉर वुमेन्स के कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं सर। वहां आपकी एक स्पेशल स्पीच है। अब इलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं है सर। सर एक घंटे में रैली है, आप तब तक प्लीज नरेंद्र सर को उठा दीजिए। तब तक मैं इनकी स्पीच तैयार करता हूँ, ये लीजिए। जनाबे आली, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। आग दोनों तरफ बराबर लगी, बस थोड़े विस्फोटक ऐड करने की जरूरत है। किसी को खबर भी नहीं कि उनकी जिंदगी में किसकी एंट्री होने वाली है। बस एंट्री के पहले वो नरेंद्र राख हो जाना चाहिए, पर मेरी पूजा को एक खरोच भी आई तो। छोटा शहर होने के कारण रास्ते अक्सर टकरा ही जाते हैं। पहले अंगराज की मौत और फिर उसके लाश का ना मिलना, इन दोनों बातों ने ही माँ और नरेंद्र के बीच दूरी ला दी थी। दूर खड़े इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। हमारे बीच सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन तुमने शायद सब कुछ खराब करने का ठान ही लिया। आपकी खुशी के लिए मान लेते हैं कि सारी गलती मेरी है। आपने क्या किया? हमारी आपस की लड़ाई को फैमिली वॉर बना दिया। मैंने तुम्हारे घर में आईडी कार्ड, लॉकेट, शूज मैंने अपनी आंखों से देखे। इनफैक्ट मुझे तो डाउट है कि तुम्हारा इस घर में आने के पीछे पता नहीं कौन सा मकसद। अर्जुन, मैं पूछ रही थी कि तुम कब आओगे? 9 बजे। तो तुम मीटिंग खत्म करके आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी अर्जुन। चिया का फोन आया था, उसने अर्जुन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया शाम को। Yeah? तुमने से पूछा नहीं कि वो क्या प्लान कर रही है? सरप्राइज प्लान करते हैं ना, तो बताते नहीं है कि सरप्राइज क्या है। अब क्या करें, कैसे हैंडल करें इसे? परसों तेरा जन्मदिन, तो मैक ने अपने जन्मदिन पे बुलाया, उसने पिलाएगा। पीने के बाद तू उसकी ऐसी तस्वीरें खींचे, उसे देखकर उसे शर्म आ जाए। लेकिन डैडी जी, वो फोटो हम हर जगह फैला दें, इसकी वजह से उस छोरी के पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। डॉक्टर प्रीता, रिसीविंग के तौर पे एक साइन कर दीजिए ना। श्योर। शोलिन का नाम मैटर्निटी पेशेंट्स में? मेरी आवाज आ रही है ना? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मुझे तुम्हारी बीवी मिल गई है। बेचारी बहुत डरी हुई है, रो भी रही है, उसके आंसू पोछने नहीं आओगे? मैं उनकी बीवी नहीं हूं। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, वो मेरे पति नहीं है।